Hello everybody, welcome back to the channel. I'm again back with a new video on all formulas of physics. Guys, this is a part 2 of this series. You can check out the part 1 in which I have completed from 1 to 8 chapters all formulas. Okay, so without wasting any time, let's get started. If you are new to our channel, don't forget to subscribe and turn on the bell notification taki next time jab bhi hum video upload kare aapko notification aa jaye aur aap hamari koi bhi video miss na kare. And agar aapko ye video pasand aati hai to like karna bilkul na bhule. Chaliye dekhte hain. Sabse pehla hai chapter 9. Chapter 9 ke andar jitne bhi aapke formulas aate hain wo sabhi बुकलेट के अंदर दिए हुए हैं. आप प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इनको अपने चैप्टर के साथ लगा लीजिए ताकि क्योंकि आप जानते हैं जो फिजिक्स है उसके अंदर फॉर्मूलाज बहुत मायने रखते हैं. अगर आपने न्यूमेरिकल किया है, न्यूमेरिकल के अंदर आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है तो प्लीज उस चीज को जरूर लिखें बिकॉज फॉर्मूला लिखने के मार्क्स होते हैं. ओके, चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलाज है जैसे कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. स्नेल्स लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर. उसके बाद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद रिस्पेक्ट मीडियम बी. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. यहाँ पर देखिए मैं एक एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ. सारे फॉर्मूलाज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आप इन सभी फॉर्मूलाज को राइट डाउन कर लीजिए या तो अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्रिटिकल एंगल जो है, प्लीज़ नोट डाउन, क्रिटिकल एंगल जो है इसकी डेफिनेशन भी आती है और इसका फॉर्मूला भी लिखने के लिए आता है. वन मार्क्स में कुछ भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल कंडीशंस क्रिएट करता है बच्चों के लिए. ओके, मिरर फॉर्मूला, आपको मिरर फॉर्मूला वगैरह लिखने के लिए कम आते हैं. आपके लिए क्या होता है कि क्वेश्चन वाइज ज़्यादा आते हैं कि न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ लिए उस हिसाब से आपको इनको तैयार करना है. मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको आप बनाए रखें बिकॉज दोनों के बीच में कन्फ्यूज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पर वन मोर थिंग कि रे ऑप्टिक्स में जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ये वाले जो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर इन सब के बीच में आप प्लीज़ कभी भी दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें. और प्रिज्म का आपको पूरा रिफ्लेक्शन का वे आना चाहिए कि किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होगी. 40 डिग्री से आएगी तो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, 60 डिग्री से होगी लाइट तो किस तरह से रिफ्लेक्ट होगी. एंड वन मोर थिंग, प्रिज्म का डायग्राम आपको आना चाहिए, उसकी पूरी थ्योरी लिखनी आनी चाहिए. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें बिकॉज आप जो हैं अपने एग्जामिनेशन में वहाँ पर उसकी फॉर्मूला को ज़रूर लिखेंगे. नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला. एंड आपको पता होना चाहिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की क्या है. ठीक है, इसके बीच में क्या होगा आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ के बारे में किस तरीके से हमें आंसर देने हैं. यहाँ पर देखिए 25 फॉर्मूलाज पूरे दिए हुए हैं और उन सभी को आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, आपके न्यूमेरिकल्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स. यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज दिखेंगे. इन सभी को आपको क्या करना है, जैसे फ्रिंजेस के बीच में है, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रिंज विड्थ को निकालना कि किस तरीके से फ्रिंज विड्थ निकलेगी. एंड और देखते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमा मिनिमा ये कम पूछे जाते हैं बट क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा आते हैं. ओके, चलिए देखते हैं ब्रूस्टर्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ यहाँ पर नहीं होगा, आपके 5th चैप्टर में आई गेस होगा, वहाँ पे आप इसको पूरी तरह से इसका थ्योरम जरूर पढ़ें. ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. गाइस, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट थ्योरी एंड फॉर्मूला. इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल्स उसी तरीके से बनेंगे. एंड वन मोर थिंग, इसकी थ्योरी भी बहुत मायने रखती है बिकॉज आपको क्या करना है, इसकी थ्योरी को लर्न करना है और लर्न करने के बाद इसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको समझना है कि थ्योरी से वो फॉर्मूलाज क्या कह रहे हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 एटम्स. एटम्स के अंदर क्या है यहाँ पर कि आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, बोस मॉडल के बारे में. और जैसे कि इंपैक्ट पैरामीटर इतना नहीं पूछा जाता है बट बोस मॉडल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है. पिछले जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आप देख सकते हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं. देन देखिए गाइस, इतने ही जो हमारे चैप्टर्स थे उनके अंदर फॉर्मूलाज हैं. इसके आगे जो चैप्टर्स हैं वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, फिजिक्स के अंदर भी हमें वो चैप्टर पढ़ने हैं और उससे उन चैप्टर्स को तैयार करना है. उनके अंदर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है. आप प्लीज़ इस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ें, आपके फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. आई ट्राई टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड ऑल पॉसिबल टिप्स विच आई प्रोवाइड टू माई रेगुलर स्टूडेंट्स. होप यू विल अचीव गुड मार्क्स. गाइस,
इस चीज से मैं ये कहना चाहूंगी, प्लीज आप इन चीजों को जरूर पढ़ें। जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो जरूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है उन सभी क्वेश्चंस की, आप उन चीज़ों को जरूर देखें जो चीज़ें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके काम कर सकती है। एक छोटी से छोटी चीज़ भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को बदल सकती है, बिल्कुल बदल कर रख सकती है, अगर आपने थोड़ा सा सावधानी से थोड़ा सा केयरफुली काम लिया। आपने अगर छोटी छोटी चीज़ों को, आप ये मत सोचो कि आपको इतनी बड़ी फिजिक्स पढ़नी है, आप ये सोचो कि आपको छोटे 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 यहाँ पर जो जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला ऑब्स्टिकल है सबसे बड़ा चैप्टर, रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ही बहुत बड़ी यूनिट है जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स को होल्ड करती है, तो आपको पहले उसको ख़त्म करना है। या फिर आप एक और स्ट्रैटेजी अपना सकते हो कि पहले छोटे छोटे सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद ऑप्टिक्स पे आओ। बट मेरा सजेशन है पहले बड़ी चीज़ को कंप्लीट करो, छोटी चीज़ तो आप करते रहते हो। ओके, सो प्लीज विद दैट सेट आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। गाइज ट्रस्ट मी, दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर, जो कि फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू एट चैप्टर थे, एंड इस वीडियो में मैंने 9 चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी की भी हेल्प कर सकती है, अगर एक बच्चे की भी हेल्प हो सकती है इस फिजिक्स के फॉर्मूलाज से, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, आपको क्या लगना चाहिए कि आपने सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लिए हैं। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूलाज होंगे, बिकॉज एज यू हैव सीन कि इन फॉर्मूलाज में मैंने एक एक लाइन लिखी हुई है कि फॉर्मूला किस कंडीशन में कौन सा लगेगा, तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूलाज हैं अच्छे से लर्न करने हैं। अदरवाइज अगर आपको जल्दी से लर्न नहीं होते हैं तो आप क्या करोगे कि इनकी स्क्रीनशॉट्स लेके या फिर इनको लिखकर आप अपनी वॉल पर लगा दोगे, और जैसे भी आप उन वॉल पर, जब भी आप अपने रूम में घुसोगे, अपने रूम के वॉल पर लगाना है, जब भी रूम में घुसोगे आपके आसपास आपको दिखेगा वो, और आप उसको पढ़ने पर मजबूर हो जाओगे और इस तरीके से आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ओके, सो प्लीज़ इस चीज़ को आप अपनाएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। बार बार नहीं बोलूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।